फिरोज सूर्या वेरी स्टाइलिश। मैंने तो सोचा था कि इंडिया का डॉन शोले के गब्बर सिंह की तरह गुर्राते हुए आएगा, पर तू तो खरगोश की तरह मासूम है। मगर मैं कभी किसी से मिलने से पहले राय कायम नहीं करता, क्योंकि कबूतर अचानक गिद्ध बन सकता है और खरगोश शेर बन के दहाड़ भी सकता है ना? ये मेरा स्टाइल है। चला बैठ के बात करते हैं। मैं जैसा हूं वैसा ही दिखता हूं, अंदर बाहर एक जैसा। तू मेरे बुलाने पर नहीं आया, पर मुझे गुस्सा नहीं आया। देखो मैं खुद चला आया, मुझे तुझसे मिलना जो था। बोलता जा। तू मुझे टक्कर का आदमी लगा, मैं चाहता तो तुझे चुटकी में खत्म कर देता, बट आई डोंट लाइक इट। सूर्या तेरी कुंडली मेरे पास है। बोलूं क्या? तेरा बाप एक पुलिस वाला था, बहुत ही सीधा साधा शरीफ इंसान, अपने फर्ज की ओर जिम्मेदार। मेरे जैसे एक को उसने अरेस्ट किया, पर वो बेल पर छूट गया। उसने तेरे माँ बाप का कत्ल कर दिया और तुझे अनाथ बना दिया। अनाथ बन के तू सड़कों पर घूम रहा था, तब एक और अनाथ ने तुझे भाई कहकर बुलाया, और तब से आज तक वो तेरे हर काम में तेरे साथ है। तेरा मुंह बोला भाई जाधव, वो तुझे जान से भी प्यारा है। समाज में हर वक्त हर दिन तेरे साथ अन्याय हुआ, जुल्म हुआ, पर तू टिका रहा, हिम्मत नहीं हारी। तूने ग्रुप बनाया कमजोरों को लेकर, फाइनली तूने अपने माँ बाप के कातिल यादव को ढूंढ निकाला और पब्लिक के सामने उसे मार डाला। उस वक्त लोग यादव के नाम से डरते थे, लोगों ने तुझे मसीहा मान लिया। जनता का पावर तेरे साथ होने से पुलिस भी तुझसे डरने लग गई और तू यहाँ का डॉन बन गया। और इसी बीच तू एक लड़की से मोहब्बत करने लगा। गुड गुड, आई लाइक इट। ये है तेरा बायोडाटा। फिरोज तू क्या ये समझता है कि हिंदुस्तानी कोई खोज खबर नहीं रखते? तेरा असली नाम फारूक है। तू एक जमाने में कराची के लुंडा बाजार में चिंदी चोरी किया करता था, रुपए के लालच में अपनी बहन को धंधे पे उतार दिया, और जब वो आपे से बाहर हो गई तो उसका खून करके जेल चला गया। बाहर आने के बाद नाम बदल कर फिरोज बन जुनैद गैंग को ज्वाइन किया, लाशों को सीढ़ियां बनाकर ऊपर चढ़ता गया। तुझे ताकत हासिल करने की इतनी लालच हो गई कि एक दिन जुनैद को मारकर तू डॉन बन गया। आज तक जिस किसी ने भी तेरा साथ दिया है तूने उसी के साथ गद्दारी की, लेकिन तू मरने से बहुत डरता है, इसलिए तूने 100 लोग और 40 बॉडीगार्ड्स पाल रखे हैं। अभी जो तेरा खास आदमी है उसका नाम है दुर्रानी। इसके पहले तेरा एक और वफादार साथी हुआ करता था सिराज। फिरोज तू अपने फोन नंबर्स बहुत बदलता रहता है। तेरा रीसेंट एयरटेल नंबर 9890211111 है। फिरोज कराची से तू गल्फ गया, इंग्लैंड गया, न्यूयॉर्क गया, बैंकॉक टोक्यो गया। रिसेंटली तूने कनाडा में अपनी धाक जमा ली, वहां के डॉन को खत्म करके अब तेरी नजर मेरे भारत देश पर है। फिरोज तेरी दो गर्लफ्रेंड्स होने के बावजूद भी तूने और तीन को मेंटेन कर रखा है, उनके नाम सोनिया रीना प्रीति। इतना ही नहीं, कनाडा के डॉन को मारकर उसकी बीवी को भी अपनी रखेल बना लिया। शाबाश, पक्का दोगला है तू। तूने मेरा ढोल बजा दिया। किसी भी मुल्क की पुलिस के पास मेरे बारे में इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होगी। ए, दुर्रानी, मैं तो इसकी पोल खोल रहा था, इसने मेरी किताब खोल दी, मेरी चिंदी चोरी से लेकर मेरी गर्लफ्रेंड्स तक। आई लाइक इट। गुड गुड। शॉक्ड हो गया क्या? हिंदुस्तानी उतने बेवकूफ नहीं जितना तू समझता है। ट्रेंड बदल गया है। करेक्ट सूर्या, यू आर राइट, ट्रेंड बदल गया है। और मैं ये भी जानता हूं कि सूर्या बात नहीं करता, आग उगलता है। दुनिया के कई मुल्कों को मैंने अपने पावर से मुट्ठी में कर लिया है, लेकिन इंडिया में हुकूमत चलाने के लिए मुझे एक गुलाम की जरूरत है। उसके लिए तुम करेक्ट हो। संभाल ले मेरे फेंके हुए निवालों को। या ये सोने के टुकड़ों से कम नहीं है सूर्या। तू मेरा गुलाम बन जा, ऐश भी करेगा कैश भी कमाएगा। इस देश के लोग तुझसे और भी डरेंगे, तुझे अपना खुदा मानेंगे। दोनों मिलके इंडिया को पेच डालते हैं। इस बारे में क्या ख्याल है तेरा? कुछ बोल।
पता नहीं पाकिस्तान की पाकसार जमीन पर तेरे जैसा नापाक कैसे पैदा हो गया। शुक्र करके तू मेहमान है इसलिए बच गया, नहीं तो लात घूसों की मशीन में डालकर पीस पीस कर तेरा कीमा बना देता। चला जा मेरे हिंदुस्तान से, दफा हो। तेरी जबान बहुत चलती है सूर्या, हाथ ज्यादा चलता है। मेरी पावर को मत भूल तू। मुझे याद रखने की जरूरत नहीं, मुझसे हाथ मिला ले। गद्दार से दोस्ती नहीं करता, मारा जाएगा। अपनी सोच, इतना गुरूर ठीक नहीं। सर पर कफन बांधने वाले मौत से नहीं डरते। अब निकल यहां से। ओके ओके कूल बॉयज मूव, चलता हूं सूर्या। गेट लॉस्ट। आज मैं बहुत खुश हूँ बेटा, जीती रहो बेटी, जीती रहो। स्वार्थी की तरह अपने बारे में ही सोच रहे हो, या आप उनके बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। तेरे बारे में क्या सोचेंगे? आप उनको भी किसी से लव कर प्यार का इजहार कैसे करेगा? वो एक लड़की को सिलेक्ट करके एक मस्त फ्लावर देके आई लव यू बोलना है। फूल मिलते ही तुमसे प्यार करने लगेगी क्या? नहीं तो गन कनपट्टी पे रख के आई लव यू कहलवाऊंगा। ए, गन देखकर कोई लड़की आई लव यू बोल देगी? प्यार करेगी क्या? अरे गन के साथ साथ अपना दिल दिखाकर अपना मामला फिट कर दिया है, अभी मिलाता हूं। डार्लिंग, लड़की अच्छी है ना भाई? ए, जरा मुझे देखने दे। तू हट ना। सबको नमस्ते। इसमें क्या देखा जो तुम प्यार कर बैठी? कलर देखकर इसे पसंद किया। सच कह रही हो ना तुम, या इसने गन दिखाकर तुम्हें डराया? बिल्कुल नहीं सर, इनसे मैंने प्यार क्यों किया बताती हूँ। मेरे पड़ोस वाली लड़की एक प्रॉब्लम में थी, इन्होंने उनको हेल्प किया। उनके इसी अच्छेपन पर मैं फिदा होकर लव कर बैठी। तुम्हारा नाम क्या है? नंदिनी। करती क्या हो? डिग्री की पढ़ाई कर रही हूँ। अभी तुम घर जाओ। हाँ? कल सुबह तुम्हारे घर आकर तुम्हारे पेरेंट्स से बात करूंगा। भाई कल करे सो आज कर, इसके घर वालों को मैं साथ में ही लाया हूँ। आइए। तू तो जेट से भी ज्यादा फास्ट हो गया। भाई आप ही से सीखा है। आइए। नमस्ते सूर्या। नमस्ते भाई। नमस्ते। आप क्या करते हैं? मैं भाई LIC में जॉब करता हूँ। ये रिश्ता आपको मंजूर है? सूर्या भाई के घर में मेरी लड़की का रिश्ता होने का मतलब बड़ी किस्मत की बात है। तो फिर बात पक्की। भाई ये मामला तो पड़ गया, लेकिन माथुर अंकल अपनी बेटी की शादी अब उनके भाई से करवा रहे ना। सूर्या को मारने के लिए टॉप क्लास का शूटर्स मंगवाए थे ना आपने, ये रहे। दुरानी, ये लोग काम को अंजाम दे पाएंगे ना? आर दे परफेक्ट शूटर्स? एनी डाउट? डू यू लाइक दिस फ्लावर पॉट्स? या। Thank you. Bye. Bye. सूर्या को हम लोग भी मार सकते थे ना? नो, वो अकेला बहुत पावरफुल है, उसे प्लानिंग करके ही मारना पड़ेगा। मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? पूजा करने के लिए। पूजा करने के लिए यहाँ पर क्यों बुलाया मुझे? ओहो, ट्यूबलाइट कहेंगी। उन दोनों ने हम दोनों को आई लव यू तो बोल दिया, लेकिन एक दिन भी हम दोनों को बाहर घुमाने ले गया क्या? अब बोलो। आज हम दोनों उन दोनों को बाहर घुमाने के लिए ले जाते हैं, ठीक है? उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? जाधव को फोन करके बुलाओ ना। जाधव नहीं आएगा, मुझे अच्छी तरह पता है। तुम आओगे तो मैं तुम्हें एक दूंगी, ऐसा कहोगे तो भागता हुआ आएगा। क्या देना होगा वो भी मुझे बताना होगा क्या? ट्यूबलाइट। जाधव को फोन करके बुला लो।
मैं जाती हूँ सूर्या को बुलाने के लिए। फिरोज पर हमला किया तो वो हमारी पब्लिक को मारना शुरू कर। वो क्या सूर्या के? वो कोई रहम दिल इंसान नहीं है। मैं नंदिनी, मुझे तुमसे बात करनी है। अपन भाई के साथ है। तुम अभी चले आओ तो एक दूंगी। हाँ, ऐसा क्या? मैं तुम्हारे घर के नीचे स्विमिंग पूल के पास खड़ी हूँ, जल्दी आओ ना। अभी आता हूँ। पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अभी तक तो तू ठीक था। पेट का दर्द क्या बोल के आता है, मैं जरा डॉक्टर के पास जाता हूँ। डॉक्टर नंदिनी के पास ना, उसी का फोन आया था ना अभी, मिल ले। अपुन के भाई को डॉन नंबर वन ऐसे थोड़ी कहते हैं। देवर जी, भाभी जी, मुझे तुम्हारे भाई से कुछ पर्सनल बात करनी है। सब लोगों को चले जाओ। इन दोनों को पर्सनल बात करिए, बुड्ढों का कोई काम नहीं है। ओल्ड मैन प्लीज कम आउट। अरे तू बुरा किसे बोल रहा है? ओल्ड मैन किसको बोल रहा है? अरे क्या हुआ तुम्हें? पूछो क्या नहीं हुआ, मेरी तो पूरी लाइफ ही वेस्ट हो गई है। क्या हुआ बोलो तो? सिर्फ आई लव यू कह देने से काम हो गया क्या? कभी बाहर घूमने नहीं ले गए तुम, एक आइसक्रीम शेयर करके नहीं खाई, एक कोल्ड ड्रिंक के बोतल में स्ट्रॉ डालकर दोनों ने नहीं पी, पार्क भी घुमाने नहीं ले गए। तुम्हारा दिल नहीं करता ये सब करने के लिए? अभी क्या करना है वो बता दो। ऐसे कह रहे हो जैसे मेरी बात मानोगे। मानूंगा ना, मुझे सिनेमा देखने जाना है। जरूर जाएंगे। जाधव को कहो वो नंदिनी को लेकर आए, हम लोग फिल्म देखने जाएंगे। जाओ। सूर्या। क्या? सूर्या। क्या? सूर्या। क्या? क्या? तुम बहुत अच्छे हो। तुम भी। अरे आज पूरा थिएटर खाली क्यों? आज सूर्या भाई आने वाले हैं ना, सारे टिकट्स उन्होंने ही बुक कर लिए। अच्छा, सूर्या भाई आने वाले। It's a bulletproof car. Oh shit! Get up, get up. भाई आप बाहर आ सकते हैं। जाधव जी भाई, डोर क्लोज करो। क्यों भाई? डोर क्लोज करो और सबको कहो अंदर बैठ जाओ। चलो गाड़ी में बैठ जाओ। John, something's wrong. It's too dangerous. Let's go back. No, I have to shoot. Wait. सामने सत्यम कंप्यूटर है, फोन लगा। ठीक है भाई। हेलो, सूर्या बोल रहा हूँ। नमस्ते सर, बोलिए। नमस्ते, आपके टॉप फ्लोर पर सिक्योरिटी कैमरा लगा हुआ है? है ना सर। ऑपरेटर रूम कनेक्ट कीजिए। अपनी राइट वाली बिल्डिंग पर कैमरा टर्न करो। करता हूं सर। वहां पर क्या हो रहा है? दो लोग बैठे हुए सर। जूम करके बताओ कि वो दोनों क्या कर रहे हैं। थिएटर की ओर गन एम करके बैठे हैं सर। कैमरा उधर ही फोकस करके रखो। ओके सर।
बैनर्जी, मेहमानों की खातिर करो, हम लोग फिल्म देखने जा रहे हैं। जादव, उन दोनों को भी बुला लो। उगी चला डॉन नंबर वन में मर। डरो मत, कभी कभी ऐसा खेल खेल लेता हूँ, चले। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों डर रही हो, मैं हूँ ना। चलो चलो ना। जाधव अभी आया भाई, महिला मारा लालस। Did you people enjoy the party yesterday? Cool. I liked Even it. Even Ritu liked it. It was very funny. I'm very, very happy. Yeah? Hello, sir. Hi. Surya ka matter ka kya hua? This time, finished. Cheers. Cheers. क्या बोलता है? Really great. मैंने तो समझा था तेरी लाश आ टपकी, मगर तूने आसमान को ही कब्रिस्तान बनाकर मेरे आदमियों की लाशें बरसा दी। सुपर स्टाइल। पूरे दुनिया की पुलिस मेरे ठिकानों को ढूंढ नहीं पाई, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तू बाज की तरह घुसाया। Hats off. फिरोज, कहा था ना हिंदुस्तान पर बुरी नजर मत डाल। एसपी को भेजा, वो मारा गया तो फिर मुझे बुलावा दिया। मैं नहीं आया तो मजबूर होकर तू मेरे यहाँ आया। जलील होकर जाने के बाद भी अपने शूटर्स भेजे मुझे मारने के लिए। आखिरी बार माफ कर रहा हूं, मेरे हिंदुस्तान में फिर मत आना। क्यों ना आऊं? मेरी आदत है जिस चीज की तरफ मैं हाथ बढ़ाता हूं उसे हासिल करता हूं, नहीं तो बर्बाद कर देता हूं। यही फिरोज का स्टाइल है। मगर तू टेंशन क्यों लेता है, अभी तो गेम शुरू हुआ है। गेम शुरू करते ही तू तीन बाजियां हार चुका है। मैं शुरू हुआ तो तेरी कब्र तो मैं इस दिमाग से बना दूंगा, मगर फातिया पढ़ने वाला कोई नहीं मिलेगा। खुदा हाफिज। तू मुझे चैलेंज कर रहा है क्या? अभी तू बच्चा है। सूर्या मुझे चैलेंज कर रहा है। बॉयज, मैं तुझे चाहूं तो एक मिनट के अंदर खत्म कर सकता हूं। करूं? है? करूं? ये बच्चों की तरह गुल्ली डंडा खेलता है, दिखने में तो समझदार है लेकिन यहां पर। भाई बता दो जरा इसे। ए फिरोज, न्यूयॉर्क में तेरा शीश का गोडाउन, स्विट्जरलैंड में तेरे ब्लैक मनी, बैंकॉक में जिस जगह से तू लड़कियां सप्लाई करता है, काठमांडू में जहां तेरा कैसिनो, इटली में जहां से तू हथियार स्मगल करता है, उन सब जगहों पर रिमोट बॉम्ब लगा कर आए। बटन दबा दे जादव। बटन दबा दिया तो जहां तू खड़ा है वो भी उड़ जाएगा, एक तिनका भी नहीं बचेगा। हम दोनों को अपनी जान की परवाह नहीं। क्यों बोलती बंद हो गई? हाँ, हवा खिसक गई। ज्यादा बटन दबा। नो 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 नो, रुक जा। बच्चों की तरह डर गया, एक बार दबाने दे। रुको, नहीं ना, कवर गन नीचे करवा। बॉयज डाउन 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 डाउन। ये तो बच्चों की तरह डर गया भाई। मेरे साथ बचपना मत किया कर, ये फाइनल वार्निंग है। इसके बाद वार्निंग नहीं, शुरू होगा वॉर। बेबे, इसको गोली और सोडा दो, इसका हजमा खराब हो गया।